लालघाटी स्थित नील गगन हाइट्स के नागरिकों ने जीवन भर की कमाई जोड़ जोड़ कर नील गगन के बिल्डर राशिद खान से फ्लैट लिया। नागरिकों ने आरोप लगाया कि राशिद खान ने उनके साथ धोखा किया है। पार्क की जगह पर पार्किंग, प्रवेश द्वार की जगह दुकानें बना दी गई, लिफ्ट इतनी घटिया लगाई कि वह गिर चुकी है, जिसे 6 महीने पहले कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। साथ ही जागरूक नागरिकों ने उन्होंने RTI के माध्यम से नील गगन हाइट्स की भवन अनुज्ञा की जानकारी मांगी तो नगर निगम द्वारा ऐसी कोई भवन अनुज्ञा जारी नहीं हुई, ऐसी जानकारी दी गई। इसके बाद नागरिकों द्वारा भोपाल के कोहेफिजा थाने में आवेदन दिया गया। वहीं एडिशनल DCP RS मिश्रा ने बताया कि नीलगगन हाइट्स के नागरिकों ने आवेदन के माध्यम से शिकायत की है कि उनके साथ बिल्डर द्वारा धोखा किया गया है, जिसकी जांच हमारे द्वारा की जा रही है। जांच के बाद जैसे तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। हाइट्स से लाल घाटी पर जिसके जो बिल्डर है राशिद खान के खिलाफ वहाँ के ही रहवासियों ने शिकायत करी है कोहेफिजा थाने में। क्या क्या शिकायत करी और क्या मामला करी? हाँ, नीलगगन हाइट्स जो नवनिर्मित आवासीय प्रोजेक्ट है उसके रहवासियों के द्वारा थाना कोहेफिजा में एक शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसके द्वारा बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि एक तो वहाँ पर क्वालिटी का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है और कुछ अन्य समस्याएं बताई गई हैं। ये भी बताया गया कि पूर्व उसकी लिफ्ट भी किसी फॉल्ट के दौरान गिर गई थी। तो वो आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है, उस जो घटना बताई गई है उसकी मैकेनिकल जाँच भी करवाई जाएगी और देखते हैं कि क्या कैसी परिस्थितियां हैं और किस किस प्रकार की उसमें कमियां हैं। अगर ऐसा कोई आपराधिक षड्यंत्र साबित होता है तो वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।